नमस्कार किसान भाई, आज आपको मेरा परिचय कराता हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ मंजूर शेख सुसनेर से, जैन ट्रैक्टर से। आज आपको हम बताने जा रहे हैं ट्रैक्टर का थाली पिनियन कैसे डाला जाता है। ये तरीका आपको हम बताएंगे, थाली पिनियन किस तरीके से लगाया जाता है और कैसे डाला जाता है, और नुकसान क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये भी बताएंगे आपको हम। मेन नुकसान का कारण क्या है? हवा। टायर में अगर ज़्यादा हवा रहेगी उससे आपका थाली पिनियन टूटेगा। हमेशा टायर के अंदर हवा रहना चाहिए, 12 से 14 के बीच में हवा रहना चाहिए पिछले टायर में। और हवा इस तरीके से अगर रहेगी कभी भी नुकसान ना होगा। फिर हवा के बाद दूसरी बात आती है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का सही तरीके से काम करना चाहिए। हाइड्रोलिक का PCDC लीवर बढ़िया आसान तरीके से काम करना चाहिए। अगर दोनों लीवर अगर सही साठ काम ना करेंगे उससे भी आपका थाली पिनियन टूट सकता है। और मेन फिर कंट्रोल स्प्रिंग पीछे, जिसमें अपन टापलिंग फानते हैं, अगर वो कंट्रोल स्प्रिंग सही साठ अगर काम ना करेगी उससे भी अपना थाली पिनियन टूट सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन हाइड्रोलिक ऑयल की। हाइड्रोलिक ऑयल चेंज होना चाहिए 1000 घंटे पे। 1000 घंटे पर अगर हाइड्रोलिक ऑयल अगर चेंज होता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे अपना नुकसान ना होगा। इसके अंदर गियर के अंदर अपने 12 बेयरिंग लग रहा है और गियर लग रहा है, 5 गियर ऊपर वाले हैं, 5 नीचे वाले हैं, 10 गियर लग रहा है, हाइड्रोलिक पंप लग रहा है, थाली पिनियन लग रहा है, पीटो शाफ्ट लग रही है, बहुत सारा सामान अंदर लग रहा है। अगर अपन टाइम से अगर ऑयल चेंज करते हैं अपना सामान पे नुकसान नहीं पहुंचेगा और ऑयल ब्रेक में भी नुकसान ना होगा। ऑयल ब्रेक अगर अपना ट्रैक्टर है, ऑयल ब्रेक पे अगर अपन दूसरा ट्रैक्टर अगर फानते हैं ट्राली दूसरे की, वो अपना ऑयल पूरा ख़राब हो जाएगा। एक बात अहम बात है ध्यान रखना, ऑयल अपना ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल ख़राब हो जाएगा और जो अपने ट्रैक्टर के ब्रेक भी आवाज़ करेंगे, थाली बिनियन टूटने का भी डर रहेगा, बेरिंग टूटने का भी डर रहेगा, गियर का सामान कुछ भी टूट सकता है। अगर अपन हर सामान को सुरक्षित तरीके से अगर रखेंगे तो अपना कोई भी नुकसान ना होगा। अहम बात, नुकसान का सामना अपनों को करना पड़ता है। आज आपको थाली पिनियन डाल के हम बताएंगे किस तरीके से थाली पिनियन डाला जाता है। ये देखिए आप पिनियन दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए आपकी थाली, ये इसको थाली भी बोलते हैं, होजिंग भी बोलते हैं, बेरिंग भी बोलते हैं, ये हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक खोल रही है। अब इसमें क्या क्या आइटम गया है ये आपको हम बताएंगे। नुकसान होता है, होना नहीं चाहिए। नुकसान के कारण तीन बताए मैंने आपको। सबसे नंबर वन चीज़ है हवा, टायर की हवा, 12 से 14 के बीच में हवा रखना चाहिए। और दूसरी अहम बात है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक के PCDC लीवर आपको बता ही दिए मैंने, और एक कंट्रोल स्प्रिंग सही साठ काम करना चाहिए। और फिर उसके बाद हाइड्रोलिक ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल 1000 घंटे पे चेंज होना चाहिए। ये सब चार चीज़ अगर सही साठ अगर ट्रैक्टर के अंदर रहेगी आपका थाली पिनियन में नुकसान नहीं होगा। अब आपको हम थाली पिनियन डाल के बताएंगे किस तरीके से थाली पिनियन डाला जाता है। ये स्टार लूम खोला जा रहा है, स्टार लूम गियर बोलते हैं इसको, ये लूम बोलते हैं इसको, होजिंग भी बोल सकते हो आप, ये खोला जा रहा है। इसमें 6 गियर ऐसे लग रहा है, 2 गियर बड़े हैं और 4 गियर छोटे हैं, और इसमें वाइसर लगते हैं 6 वाइसर, 4 वाइसर छोटे हैं और 2 वाइसर बड़े हैं, जिसमें मक्खी वाइसर आते हैं और अंदर मक्खी वाइसरों में कट रहता है, उस तरीके से फिटिंग करना चाहिए।
इसमें बेरिंग निकालने का आसान तरीका, इस तरीके से बेरिंग निकालना चाहिए, ये बड़ा वाला बेरिंग थाली का। इसकी होजिंग थाली पूरी सब ट्रैक्टरों से अलग है ये सिस्टम। और बेरिंग निकालने का तरीका है, ये बेरिंग इस तरीके से पाने से निकलना चाहिए, बेरिंग कितनी आसानी से ठुक के निकल चुका है। फिर इसके बाद ये पिनियन खोलना चाहिए, ये पिनियन इस तरीके से, इसमें बोल्ट लग रहा है, 6 बोल्ट है, 6 बोल्ट खोलना चाहिए आसान से। खोलने के बाद फिर आपको इसकी सफाई पूरी तरीके से सफाई करनी है। अगर इसके अंदर पिनियन टूटने की अगर जरा सी मेमरी अगर अंदर रह जाएगी वो तकलीफ देगी, पूरी झकास सफाई करनी है, ज़रा से भी एमरी का चूरा नहीं रहना चाहिए अंदर, पूरी डीजल से या घास रेट से उसको धोना चाहिए। फिर उसको धोने के बाद कपड़े से साफ करना चाहिए। फिर उसके बाद ये पिनियन खुल रही है, चेक नट खुली जा रही है, चेक नट इस तरीके से खुलना चाहिए। और आपको हर चीज़ के नाम बताएंगे हम, खोलने के बाद कौन सा सामान क्या लगता है। ये पिनियन खुलेगा में से, चेक नट खुलने के बाद फिर आपको हम बताएंगे चेक नट किस तरीके से खुली जाती है। ये एमरी लग लग के चेक नट क्या टाइट हो चुकी है, इस वजह से ट्रैक्टर चेक नट खुल नहीं पा रही है। इस तरीके से हथौड़ी से पेचकस से इसको खोलना चाहिए। और खोलने के बाद ये नया पिनियन लेना चाहिए, ये 7 दांतों का पिनियन है। और बेरिंग नया इस तरीके से ठोकना चाहिए, बेरिंग ठोकने के बाद फिर इसमें लॉक लगाने चाहिए। इसमें होल जो लॉक का है ये लॉक लगाना चाहिए, लॉक लगेगी इस तरीके से। फिर लॉक लगाने के बाद लॉक इस तरीके से बिठाना चाहिए, और लॉक लगाने के बाद में ये बड़ा वाला बेरिंग पिनियन का इसको बिठाना चाहिए, इस तरीके से पूरा बेरिंग बिठाना चाहिए। ये होजिंग रखना चाहिए, होजिंग के बाद फिर बेरिंग लगना चाहिए, फिर इसे गुटके के ऊपर ठोकना चाहिए, ऐसे गुटके के ऊपर लेकर इसको इस तरीके से ठोकना चाहिए। इतना ठोको ये अंदर पूरा सीट में बैठ जाए। पूरा सीट में बैठने के बाद फिर इसको इसमें चेक नट लगाने से पहले इसमें एक वाइसर लगता है, इसमें एक वाइसर लगेगा। वाइसर लगाने के बाद फिर इसमें चेक नट लगानी है। चेक नट पूरी टाइट करने के बाद फिर इसके अंदर एक मक्खी वाइसर लगानी है, ये मक्खी वाइसर बोलते हैं इसको, ये मक्खी वाइसर है। फिर इसके बाद इस चेक नट लगेगी। चेक नट इस तरीके से लगाना चाहिए, डबल चेक नट रहती है इसके अंदर, चेक नट लगाना चाहिए। चेक नट को आसानी से पूरी चिपकाना है। पूरी चिपकाने के बाद फिर इस थाली को, थाली के बोल्ट रिपीट कट जाए, फिर उसके बाद फिर इसके थाली को पूरी होजिंग में ठोकना चाहिए। और होजिंग में ठोकने के बाद फिर इसके 12 बोल्ट ठोकना चाहिए, होल मिला के पूरी कंप्लीट ठुक जाए। उसके बाद में इसके सब बोल्ट इस तरीके से लगाना चाहिए, होल मिलाने के बाद बोल्ट सब टाइट होना चाहिए। ये इस तरीके से बोल्ट टाइट करना है, पूरी थाली चिपकाना है होजिंग से। अगर ज़रा सी भी अगर छेटी रहेगी तो पिनियन थाली टूटने वाली प्रॉब्लम रहेगी। इसको पूरी तरह चिपकना चाहिए सीट से, सीट से अगर पूरी चिपक जाएगी फिटिंग होना चाहिए पूरी तरह। थाली के बोल्ट वेल्डिंग कराने के बाद टाइट करना चाहिए। फिर ये केच लगाने के बाद में, इसमें स्टार चौकड़ी जमाने के बाद में इस केच को टाइट करने के बाद फिर इसे लॉक करना चाहिए। फिर लॉक करने के बाद में सारी पत्तियाँ लॉक होना चाहिए। फिर उसके बाद में इसमें बेरिंग बिठाना चाहिए, पत्तियाँ सब लॉक हो जाएगी। फिर उसके बाद बेरिंग ऊपर नीचे के बेरिंग लगेंगे, 2 बेरिंग है थाली में, 2 बेरिंग लगते हैं बड़े वाले, वो बेरिंग लगेंगे दोनों। इस तरीके से बेरिंग लगाना चाहिए, ये बेरिंग इस तरीके से ठोकना चाहिए, बेरिंग पूरा सीट में बिठाना चाहिए।
आमने सामने इसमें चोट मारनी है, पूरा चोट मारकर बिठाना चाहिए। और आमने सामने चोट मारने से सही साठ बिरोबर जाना चाहिए बेरिंग, अगर टूट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। फिर इसको पलटा कर फिर बेरिंग लगाना चाहिए। इसमें बेरिंग इस तरीके से लगता है, बेरिंग इस तरीके से फिटिंग होता है, ये भी आमने सामने चोट लगाकर फिटिंग करना चाहिए। पूरा इसको भी सीट में बिठाना है आपको, सीट में बैठना चाहिए। आसान तरीके से ठोकना है इसको, आमने सामने चोट मारनी है और आसान तरीके से इसको अंदर लगाना है। ये पूरा बेरिंग बैठ चुका है सीट में, ठोस आवाज़ आ चुकी है कि सीट के अंदर पूरा बेरिंग बैठ चुका है ये। फिर इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, होजिंग थाली पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये ट्रैक्टर के अंदर फिटिंग करना चाहिए इसको, इस तरीके से फिटिंग हो गया है। इसके ग्रुप मिला के लगाना चाहिए अंदर, इस तरीके से फिटिंग होकर लगेगा ये। एक्सल के और थाली के ग्रुप मिलना चाहिए, टायर को ऊपर नीचे हिलाना चाहिए, जब जाके ये फिटिंग होगा होजिंग। ये बैठ चुका है पूरा कंप्लीट, फिर इसके बाद आपकी हाइड्रोलिक कसा चुकी है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से सीट लगानी है, इस तरीके से सीट लगना चाहिए। फिर आपको थाली के बोल्टू टाइट करना चाहिए, बड़े वाले टाइट थाली के भारी बोल्टू टाइट करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको होजिंग में रिंग लगाना चाहिए, रबड़ की जी रिंग जो आती है इसको लगाना चाहिए, रबड़ की रिंग सही साठ लगना चाहिए। फिर इसके बाद एनामेट ट्यूब जो आता है, प्लास्टिक ट्यूब बोलते हैं जिसको, फिर इसके आसपास ट्यूब को लगाना, और ट्यूब को लगाने के बाद में पूरी तरह ट्यूब लग जाए फिर उसको होजिंग के अंदर फिटिंग करना। ये होजिंग को इस तरीके से रखना और इस तरीके से अंदर इसको धकेलना, ये आसान तरीके से होजिंग अंदर जाएगा ग्रुप मिला के इस तरीके से अंदर इसको दबाना है। ये होजिंग आपका लग चुका है, फिटिंग हो चुका है। इसके सभी बोल्टों पे, आमने सामने के बोल्टों पे लोड लेना है, इस तरीके से इसको कसना है। इसको कसने के बाद फिर एक भी बोल्टू ना रह जाए, पूरे बोल्टू पे एक सिरी का लोड होना चाहिए आमने सामने। इस पर लोड लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, पूरे पे लोड हो जाए फिर उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, इसका बोनट लगाना है। ये बोनट आपको इस तरीके से तुक कर ऐसे लगाना चाहिए। ये टप उठाना इसका, फिर बोनट लगेगा ऊपर, टप अड़ रहा है ऊपर, इस टप को ऊपर उठाकर बोनट लगाना चाहिए। आसान तरीके से इसको फिटिंग करना चाहिए, इस तरीके से फिटिंग होना चाहिए, इस तरीके से टायर भी लगना चाहिए, आसान तरीके से सब काम होना चाहिए। आज अपन मुद्दे की बात करते हैं किसान भाई, कुछ भी अगर नुकसान होता है तो अपना नुकसान ही है। सबसे अहम बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हवा 12 से 14 के बीच में हवा रखनी है आपको, और हवा इस प्रकार से रखनी है कि अपने ट्रैक्टर में नुकसान ना हो। फिर अहम बात हाइड्रोलिक के लीवर दोनों सही साठ काम करना चाहिए, कंट्रोल स्प्रिंग पीछे की वो भी काम करना चाहिए। फिर हाइड्रोलिक आयल 1000 घंटे पे चेंज होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ अगर करते हो ट्रैक्टर में अपने नुकसान नहीं होगा। ट्रैक्टर बहुत शानदार है, 10-35 टनर है, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, अच्छा ट्रैक्टर है, एवरेज के मामले में, ट्राली के मामले में, कल्टीवेटर के मामले में, मशीन के मामले में, सब में ट्रैक्टर बहुत शानदार है। आपसे मैं कह रहा हूँ भाई, इसका ध्यान रखना आप, आयल, हवा, हाइड्रोलिक, तीन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगली वीडियो में आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार किसान भाई।